आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ गोपागंज की। गोपागंज कस्बा के मोहल्ला दोस्तपुरा में महीनों से सफाई न होने के कारण नाराज कस्बा वासियों ने बुधवार को नगर पंचायत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग किया कि जल्द नाली की साफ सफाई कराई जाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। कहा कि कई बार नगर पंचायत को सफाई के बाबत शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई देखने तक नहीं आया। शासन बार बार सफाई को लेकर गंभीर बना हुआ है। अनेक गाइडलाइंस के तहत सफाई को मुकम्मल करने का आदेश भी पारित कर चुका है, बावजूद इसके शासन के आदेश को गोपागंज नगर पंचायत नजरअंदाज कर रहा है। कस्बा के मोहल्ला दोस्तपुरा वासियों ने आरोप लगाया कि महीनों से आज तक कोई सफाई कर्मी नाली साफ करने नहीं आया। हालांकि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को कई बार सफाई को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कर्मचारी देखने तक नहीं आया। सफाई की बात तो दूर की है, कहा कि सफाई क्यों नहीं की जा रही है, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। प्रदर्शन करने वालों में नान हो, समीम वर्मा, हाफिज मुख्तार, राजेंद्र, तस्बुन निशा, रुखसाना, मीना, इरशाद, फुलवारी सहित अनेकों लोग मौजूद थे। हमारे साथ और भी जुड़े हुए लोग, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? समीम मोहम्मद। समीम मोहम्मद, क्या मामला है यहाँ पे? यहाँ पर मामले यही है कि नाली जाम हो गई है, तमाम गंदगी से एकदम पर बीमारी फैल रही है, मगर कोई इसका वारिस नहीं हो रहा है। कि यहाँ पे साफ सफाई होता है, छिड़काव होता है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, खाली बात हो रही है, बात के सिवा कुछ भी नहीं हो रहा है। साफ सफाई एकदम नहीं, एकदम नहीं हो रहा है। सफाई के लिए क्या करना? नहीं नहीं, कहते हैं को हो जाएगा, हम रोजाना कहते हैं, सब झाड़ू लगाने आता है कभी कभी, उससे कहते हैं तो कहते हैं कि 2 महीना में इसका अभियान होगा, 4 महीना में होगा, हो जाएगा, होगा। चेयरमैन साहब के पास हम कम से कम 10 मरतबा गए हैं, कहते हैं कि अच्छा चलिए व्यवस्था किया जाएगा। क्या चेयरमैन साहब कहते हैं कि चलिए हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा? व्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था में क्या हो जाएगा? व्यवस्था में वही मतलब सर सफाई दिखाते हैं, लालच नहीं दिखाते हैं, बनवा देंगे। जब जीत जाते हैं तो जो चले जाते हैं बाग में, होटल में चाय पीते हैं, वो क्या काम करेंगे? वो मेंबर भी तो वैसे ही है। कौन मेंबर है? पप्पू मेंबर एक है। तो पप्पू ने मेंबर का तो दायित्व बनता है कि जगह जहाँ पे बना हुआ है तो खुद उसको नहीं चल पा रहा है। वो चेयरमैन का बहुत खास आदमी है, विरोधी होता तो कुछ करता भी, इसीलिए हम लोग जो है अब वोट नहीं देंगे इसको। मगर पप्पू जो यहाँ पे कभी झांकने नहीं आता है, माल तो लोट तो मारे झांकने नहीं आता है। 3000 रुपया खा गया आवास में, 3000 रुपया खा गया। किसमें खाया? आवास में। आवास 3000 रुपया खा गया। हाँ, अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब बताइए, मेंबरों का कंडीशन यह है कि यहाँ नगर पंचायत में जैसे ही सूची आता है सूची देख लेते हैं। हाँ, सूची देखने के बाद नगर पंचायत में तुरंत जो कई ऐसे वार्ड हैं कि जो यहाँ के मेंबर हैं सिर्फ जो है धन उगाही का काम किए हैं, पैसा बटोरने के काम किए हैं और अधिकारियों के नाम पे पैसा लिए हैं। आप यहाँ के मेंबर जो है 3000 से लेके 25000 तक ले लोगों से पैसा ऐठने का काम किए हैं, और यही लोग जब चुनाव आ रहा है तो तरह तरह के लोग जो भाजपा में हर चीज जो है सुविधा मिल रहा है, गल्ला है, तेल है, चन्ना है, आवास बहुत लोगों को मिला है, बाकी हमारा आवाज तो जो पैसा खा गए इसलिए मुझको नहीं मिला। आज पैसा खा गए, हम चेयरमैन का आदमी तो है नहीं, हम विरोधी उनके हैं, इसलिए जो कटवा दिया गया पैसा लेके फुर्सत हो गया। आज जो आता है जांच करने तो अभी उसको भी पैसा चाहिए, हम पैसा नहीं अब दिए, हमको मत दो, हमको नहीं चाहिए। जो लोग पैसा जो जांच करने आवास के लिए आते हैं उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तब पास होगा। नंबर से लेके और अधिकारी जो अधिकारी आते हैं जांच करते हैं कि है कि नहीं है, आप देख रहे हैं होता है कहने पर मेंबर जो झगड़ा करता है क्या बोलता है? कदा के लिए हम नहीं जानते, हलाल का आदमी। हाँ, हलाल का आदमी, मैं नहीं जानता कुछ, जिसको दियो जा घर दो। क्या कहता कि साफ सफाई अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। वो कदा कम से मतलब नहीं है, मतलब वो चले कहने में सुन भी नहीं करता, वो कहने पर नहीं सुनता, वो चले चाहे वो जो है उनका चेयरमैन साहब बहुत खास आदमी है असलम, वो तो DM से बढ़ के हो गया है। क्या असलम क्या कहता है? कदा हाँ हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं, मगर सफाई एकदम वो चले सफाई का नाम पता जो आजकल कुछ भी नहीं, एकदम
पूजन देख लीजिए अगल बगल में किसी सफाई हो रही तो बताइए, कोई आदमी यहाँ का हो चाहे। आज गोपागंज नगर पंचायत में यहाँ पर